नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर से नेक के डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। इस डिज़ाइन के लिए हमने ये पेपर कैनवास लिया है। यहाँ पर नेक की विथ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक लेंथ 6 इंच पर इस तरह से मार्क करके बॉक्स बनाना है। फिर यहाँ से हम 13 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर फोल्डेड भाग पे 0.25 इंच से भी कम इस तरह से मार्क देना है। और नेक का ये शेप देंगे। नेक का यहाँ पर ये शेप देकर यहाँ हल्की सी गोलाई देनी है और 1-1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से इसे कट करेंगे। सेंटर की नेकलाइन को भी इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से ये 13 इंच तक कट करना है। नेक को हमने ये फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है और साइड में जो कपड़ा है उसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई भी ले ली है और कुर्ती की राइट साइड में इस तरह से इसको प्लेस करेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और कैनवास में जो हमारी नेकलाइन है उस नेकलाइन के पास पास में हम ये सिलाई लेंगे। अभी हमें यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नेकलाइन पे उसे कट करना है और फिर जो सेंटर में ये हिस्सा है उसमें भी कट देना है। देखिए सेंटर में हमने बहुत कम ही यहाँ पर ये जगह रखी है, इसमें ये कट ही देना है और जो किनारे हैं यहाँ पर इस तरह से 2 कट देंगे। ऊपर जो नेक में हमारी गोलाई है वहाँ पर ये कट देने हैं और फिर इस पट्टी को राइट साइड में टर्न करके इसके ऊपर हमने ये कच्ची सिलाई लेनी है। कैनवास की इस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर दिया है और राइट साइड में इस तरह से हमारी फिनिशिंग आएगी नेक की। इसके बाद में हमने ये स्ट्रिप ली है, ऊपर से ये फोल्ड करके इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ सेंटर में इसको प्लेस करना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लेंगे। एक साइड में ये सिलाई लेने के बाद में हम इसे लॉक करने के लिए ये पोटली बटन्स अटैच करेंगे। इस तरह से हमने ये पोटली बटन्स अटैच किए हैं और यहाँ पर हमने ये फुट को चेंज किया है। ये सिंगल फुट लिया है और इसके बाद में ये कॉन्ट्रास्ट में इन पोटली बटन्स को इस पट्टी के नीचे दबा देना है और ये सिलाई लेनी है। इससे ये पूरा हिस्सा लॉक भी हो जाएगा और यहाँ पर ये पोटली बटन्स भी अटैच हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पोटली बटन्स अटैच हो गए हैं। अभी हमें लेनी है उरेब की स्ट्रिप और इस स्ट्रिप पे एक सिलाई लेंगे और ये डोरी नहीं बनानी है, ये स्ट्रिप बनानी है। स्ट्रिप के जितनी इसकी चौड़ाई रहनी चाहिए। अभी कोई भी स्टिक की हेल्प से स्ट्रिप को अभी हम राइट साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से हमारी स्ट्रिप राइट साइड में टर्न हो गई है और नेक में हमें इस तरह से यहाँ पर अटैच करना है। उरेब की पट्टी होने के कारण ये आप जिस ओर घुमाएंगे ये उस ओर इजीली घूम जाती है। तो इस तरह से नेक के पास पास में थोड़ा सा गैप रखते हुए इसके एक साइड में हम सिलाई लेते हुए यहाँ नेक पर। इसे अटैच करेंगे। नीचे के हिस्से से हमें थोड़ी गोलाई देनी है स्ट्रिप से
और दूसरी ओर इसी तरह से हम अटैच करेंगे। अब इस पट्टी की दूसरी साइड में हम सिलाई लेंगे। इस तरह से देखिए कितना सुंदर तरीके से ये हमारी स्ट्रिप अटैच हुई है। अभी एक और स्ट्रिप यहाँ हम नेकलाइन में आगे थोड़ा गैप रखते हुए अटैच करेंगे और ये हमारी पूरी नेक की डिज़ाइन बन के रेडी है। दो स्ट्रिप्स ली है हमने और कॉन्ट्रास्ट में ये फैब्रिक से इसका लुक बहुत सुंदर आया है। आप अलग अलग तरीके से अलग कुछ स्ट्रिप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।